स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम वीडियो देखेंगे ट्रैक्टर विद बैलास्ट ऊपर का, और यह रेलवे ट्रैक पर बैलास्ट यानी कि पत्थर गिराया करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है JCB और ये बैलास्ट को लेकर जा रही है ऊपर में भरने के लिए। और फिर ये ट्रैक्टर जो है ऊपर के साथ इस रेल ट्रैक पर बैलास्ट को गिराएगा, पत्थर को गिराएगा। अभी चलते हुए भी दिखाएंगे हम आपको, जुड़े रहिए साथ साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। ये देखिए, अभी फ़िलहाल रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है ये। और इस ट्रैक्टर के जो रियर व्हील्स हैं, पिछले वाले जो व्हील्स, वो कभी खड़े खड़े ही घूमने लगते हैं, क्योंकि रेल के और पहिए के बीच घर्षण बल, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि लोड तो रहता नहीं है ज़्यादा। ज़्यादा लोड पीछे हो जाता है और आगे लोड कम हो जाता है, अर्थात इसी बात को ध्यान में रखना पड़ता है। जो कि इसका संचालक है, ड्राइवर, वो इसी हिसाब से एक्सेलरेशन देता है कि फ्रिक्शन मिलता रहे। और अभी देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए कैसे चल रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी धीरे धीरे एक्सेलरेशन दे रहा है जो संचालक है इसका। ये देखिए, अगर वो एकदम से एक्सेलरेशन दे देगा तो खड़े खड़े घूमने लगेगा, फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा इसको। अभी इसमें बैठकर हम आपको ट्रेन का नज़ारा भी दिखाएंगे। सामने से यह ट्रेन आ रही है, गाड़ी संख्या 5442, ऋषिकेश से चलकर दिल्ली जंक्शन को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन वाया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। आप लोगों में से कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि देवबंद रुड़की लाइन का अपडेट कीजिए, तो कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ से दें आपको? सोचने वाली बात है, जब कोई कार्य हो ही नहीं रहा है तो कैसे दिखाते हैं हम आपको? जैसे ही कोई कार्य प्रगति पर दिखेगा, हम आपको दिखाएंगे और अवश्य दिखाएंगे। आप लोगों से वादा है हमारा, और हमारा काम यही है आप लोगों को अपडेट देना। ये देखिए, इस ट्रैक्टर के पहिए देख लीजिए आप लोग, उसी बनावट के हैं जैसे कि रेल के पहिए होते हैं। तो ये था देवबंद से आज का छोटा सा अपडेट, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।